हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज से हम लोग करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विजय किशोर राहतकर। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस एंड एज वेल एज योर इंटरव्यू। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी की प्रिपरेशन चल रही होगी टारगेट फॉर आईक्यू पर। अब आप लोगों को डेफिनेटली डेली जो है इसी तरह के चर्चित और बर्निंग एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो हैं, चाहे वो लीगल करंट अफेयर हो, करंट नेशनल इंटरनेशनल, से मिलते रहेंगे। तो पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, एंड बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, और पहला टॉपिक है विजय किशोर राहतकर। नाइन्थ चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष जो हैं ये बनी है। इनका फोटो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एंड भारत सरकार ने क्या करा है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत सरकार ने जो है इनको 19 अक्टूबर 2024 को जो है नवी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो अपॉइंटेड किया है। इससे पहले जो है रेखा शर्मा जो हैं वो भारत की नेशनल वुमेन कमीशन की क्या थी, चेयरपर्सन थी। ये पीपीटी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ फटाफट से। अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट जो किया गया वो 3 साल के लिए किया गया है, और क्योंकि 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ये जो हैं सदस्य जो हैं बन सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अर्चना मजूमदार जो हैं एक मेम्बर भी अपॉइंटेड की गई हैं, ये भी आप लोग जो हैं याद रखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन जो है वो ये 1990 का एक्ट है, और इसकी इस्टेब्लिश हुआ था ये 1992 में, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि कार्यकाल जो है वो 3 साल का होता है और अधिकतम आयु 65 वर्ष जो है वो होती है। इसके साथ साथ सदस्य जो है वो दोबारा अध्यक्ष एंड मेंबर जो है वो दोबारा से रीअपॉइंटेड जो है वो प्यारे बच्चों हो सकते हैं, ठीक है। महिला आयोग के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, अगर आप देखेंगे एक संवैधानिक बॉडी है। एंड अगर हम बात करें बिकॉज द एक्ट जो है, अगर ये इस्टेब्लिश की गई थी 1992 में, एंड जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में, ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है प्यारे बच्चों। एंड अगर हम बात करें तो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो पूरे भारत पर है, और आयोग जो है कुछ इस तरह के जो हैं वो काम जो है वो करता है, जैसे नंबर एक संविधान और अन्य जो भी हमारे लीगल एक्ट हैं उन महिलाओं से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रावधान के रिव्यू करना है, जो प्रोविज़न है नए कानूनों को सजेस्ट करता है, और वुमेन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनका निवारण करता है, और महिला आयोग से संबंधित नीतिगत मामलों में भारत सरकार को जो है ये एडवाइस करने का भी काम जो है वो करता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट महिला आयोग के सदस्य, तो ये पूरी स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव सेक्रेटरी जो है होता है, तो एक प्लस 5 प्लस 1 मतलब टोटल 7 मेंबर ये जो है बॉडी आप लोगों की होती है अगर इसमें देखें तो, ठीक है। एक इसके साथ साथ एक एक सदस्य एसटी और एससी से भी होना जो है वो जरूरी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और इसके साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के जो है टॉपिक्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2-3 मिनट के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।